हाय, आई एम विनय अगेन। और जैसा कि तुमने मुझसे पूछा कि पॉपुलेशन इकोलॉजी के लिए तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए, तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि स्पीसीज लेवल पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर देखे जाते हैं, पॉपुलेशन लेवल पे देखे जाते हैं, कम्युनिटी लेवल पे देखे जाते हैं, और लैंडस्केप्स के क्या कैरेक्टर होते हैं, बायोम्स के क्या कैरेक्टर होते हैं। तो पॉपुलेशन लेवल पे हम कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है, ये इसमें देखना है। इसमें जैसे है, एक पॉपुलेशन का कैरेक्टर क्या क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, इसका फार्मूला है, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, ग्रुप डेंसिटी क्या है, नेटेलिटी क्या है, मीन्स नेटेलिटी हुआ, मोर्टेलिटी हुआ, ठीक है, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सब एक पॉपुलेशन वाइज होती है। जैसे इंडिया का जब सेंसस होता है तब उसमें हम पूरा सेंसस देखते हैं, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हुई इंडिया की, 2011 में कितना था, अब 2021 में कितना होगा, कौन सा स्पीसीज़ का पॉपुलेशन बढ़ा, कौन सा घटा, डेथ रेट कितना था, बर्थ रेट कितना था, ओके। और इसमें है लाइफ टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर आपको क्वेश्चंस देख देख के सॉल्व करना चाहिए। लाइफ टेबल पे सर्वाइवल सिप कर्व कितने टाइप के होते हैं, ये सब सर्वाइवल सिप कर्व का दिया गया है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ओके। उसके बाद डिस्पर्शन है, पॉपुलेशन एक जगह है तो उस पर डिस्पर्स कैसे होती है। जैसे इंडिया में दिल्ली है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, यहाँ पे बहुत क्लम्प है पॉपुलेशन, ठीक है, और राजस्थान हुआ या कोई गुजरात, यहाँ पे पॉपुलेशन कम, डेंसिटी कम है यहाँ पे, और मीन्स डेंसिटी कम है और पॉपुलेशन जो है इधर उधर मिलते हैं, मीन्स डिस्पर्शन में रैंडम है या रेगुलर है या क्लम्प है, ये सब देखकर लाइफ टेबल पे क्वेश्चंस आते हैं, उस पर क्या क्या है, उसको ग्रॉस नेट रिप्रोडक्शन रेट, ये सब लाइफ टेबल पे आप वर्क कीजिए, सर्वाइवल सिप कर्व पे, नेटली इसमें पॉपुलेशन इसमें स्टडी में क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार आप थियोरी जितनी है सारी पढ़ लीजिए, उसके बाद जो इसमें क्वेश्चंस हैं, ये इसमें एज स्ट्रक्चर है, एज पिरामिड क्या क्या होते हैं, कैसा, ये इस पर आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है, लॉजिस्टिक, इस पर जे शेप्ड कर्व है, सिग्मोइडल शेप्ड कर्व है, ठीक है, इसमें फॉर्मूला जो है DNDT इज इक्वल टू RNKN पे, इस पर काफ़ी सवाल आते हैं, पॉपुलेशन रेगुलेशन कैसे होता है, मेटा पॉपुलेशन क्या होता है, और आर स्ट्रेटजी और के स्ट्रेटजी जो ग्रोथ है इनका कैरेक्टर क्या है, जैसे आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन कहते हैं, यही है इनमें, ठीक है। तो जैसे मैंने बुक्स आपको बताया, तो उसी बुक से आप मोस्टली थ्योरी पढ़ लीजिए, एक एक चीज़ होती क्या है, जैसे डेंसिटी क्या है, डिस्पर्शन क्या है, नेटेलिटी किसे कहते हैं, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ये सब एज स्ट्रक्चर, इन पे जितने भी ग्राफ आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन, टेबल वाले क्वेश्चन, या जो DNDT इज इक्वल टू ये रिप्रोडक्टिव रेट क्या है, बट ठीक है, इन सबको क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व कीजिए, एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ओके, थैंक यू।